Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS period. Please take out your EVS notebook. So as you know, your formative is near. I am going to tell you how you have to do your formative with the help of the sample paper. Okay? So you have to do exactly what I said. Okay? Write down Gyanad International School. In next line, write formative for sample paper. Then class 5th. Subject EVS. Then write name. For example, ma'am's name is Shikha. Date, which is 17 May 2021. Then maximum marks, which is of 20. Answer the following question. You have to write the question. Answer the following question. Put marks and then A. What is migration? So first of all, you have to write what is migration. Migration क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना. सो राइट डाउन द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन place to another is called migration. Next is, who are emigrants? Emigrants kaun hote hain? Write down pupil who leave their native country to settle in another country are emigrants. So people who leave their country, native country, to settle in another country are emigrants. यानी वो people जो अपनी native, यानी उनकी जो अपनी country होती है उसे छोड़ के दूसरी country में जाकर settle होते हैं, उन्हें हम emigrants बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू रीजन फॉर एमिग्रेशन. आपको टू रीजन देना है फॉर एमिग्रेशन. आप कोई भी टू रीजन दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सर्चिंग जॉब्स, एंड द सेकेंड वन इज फॉर स्टडीज. यानी जॉब के लिए सर्च करने भी हम बाहर जाते हैं और स्टडी करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज डिफाइन. आपको डिफाइन करना है मेंबर्स को कि मेंबर्स कौन होते हैं. सो राइट डाउन पीपल इन द फैमिली आर कॉल्ड मेंबर्स. यानी वो पीपल जो हमारी फैमिली में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके फैमिली मेंबर्स कौन है? आपके फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. ओके, ये सब आपके फैमिली मेंबर्स हैं. नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली. राइट डाउन फैमिली इन विच there are more than two generation is known as joint
फैमिली। सो फैमिली जिसमें मोर देन टू जनरेशन हो, यानी आपका जो जनरेशन है उसके ऊपर कौन सा जनरेशन होता है, मम्मी पापा का, और उससे ऊपर कौन सा होता है, दादा दादी, यानी यहाँ पे आपके दादा दादी इंक्लूड हों या उनसे ज़्यादा बड़े लोग इंक्लूड हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। अगर आप रहो और आपके पेरेंट्स हैं तो वो कौन सी फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली, ओके। लेकिन अगर आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं तो इट्स अ जॉइंट फैमिली, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो हेयर बिग फैमिली इज ऑल्सो नोन एज, बिग फैमिली का हम और क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली, वेरी गुड। सो राइट डाउन जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का एक रीजन क्या हो सकता है, आप कोई भी रीजन देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, और अर्थक्वेक, और पॉवर्टी, और फ्लड, कुछ भी। आई एम राइटिंग पॉवर्टी, ओके, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फ्लड मेक्स पीपल होमलेस, फ्लड से पीपल होमलेस हो जाते हैं, येस इट्स ट्रू, राइट डाउन ट्रू। नेक्स्ट ट्रांसफर मीन्स चेंज ऑफ जॉब, ट्रांसफर मीन्स होता है कि चेंज होना जॉब का, होता है ना, किसी का ट्रांसफर होता है तो आपके नए स्कूल में आता है, वो कहता है मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब उनके पापा की जॉब में एक जगह से वो दूसरी जगह आ रहे हैं, सो यस चेंज ऑफ जॉब ही होता है, राइट डाउन ट्रू। नेक्स्ट बिग फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, नो फॉल्स, मैम ने अभी बताया जब आप और आपके पेरेंट्स सिर्फ होंगे तो हमारी फैमिली क्या होगी, स्मॉल होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, लेकिन अगर आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आप सब साथ रहोगे तो आपकी बिग फैमिली होगी, और जॉइंट फैमिली बोलते हैं सही, ओके। लास्ट क्वेश्चन ड्रॉ आ फैमिली ट्री, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना है, मैम ने आपको पहले भी सिखाया है ना, सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ट्री, लाइक दिस, then you have to write your name, your sister or brother name, उसके ऊपर आपका जैसे ये जाएगा, okay, तो यहाँ पे आपके आपके पापा का नेम, मदर का नेम, okay, और इससे पाप ऊपर जाएंगे तो ये पापा का नेम है जहाँ, फादर्स नेम है जहाँ, फादर्स नेम या मदर नेम या योर नेम या आपके सिबलिंग के नेम, ठीक है, इसके ऊपर जब जाओगे आप तो इसमें हो जाएगा ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, आप इसे और भी बड़ा बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किससे जुड़ोगे, आपके फादर से, तो आप या तो इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनके दोनों के हो आप, ठीक है, दोनों के सन कौन है, पापा हैं आपके, तो आपके फादर का नेम जहाँ होगा उसके साथ आप आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के बीच को जोड़ोगे, वहीं वैसे ही फादर मदर के नेम के बीच में आप दोनों ब्रदर सिस्टर या फिर सिस्टर सिस्टर जिनका भी नेम है, ठीक है, तो इस तरह से आपका फैमिली ट्री बनता है, यानी सबसे नीचे आपका नेम, आपके ब्रदर सिस्टर का नेम, उसके ऊपर जो बॉक्स बनेगा उसमें आपके मदर और फादर का नेम जिसको आप दोनों कनेक्ट कर रहे हो, उससे ऊपर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का होगा तो वो फादर से कनेक्ट होगा, ठीक है, अगर आप अपनी मदर साइड का बनाना चाहते हो तो एक और बनेगा उसमें जिसमें भी आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आएंगे, ठीक है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, लेकिन हेयर क्या होगा, ये मैटरनल होंगे और ये कौन से आपके पैटर्नल, ठीक है, तो मम्मी पापा के जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते हैं, लेकिन फादर के जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर, और जो मदर के मम्मी और पापा होते हैं आपके नाना नानी उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर, ओके, गॉट इट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द फैमिली ट्री, ओके, यू हैव टू मेक इट, एंड देन व्हेन यू हैव डन योर पेपर यू हैव टू रिवाइज इट, सो लेट्स डू इट, टेक अ स्केल, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर वन, रिवाइज इट, two, revise it, see, done, you have revised it, then after question number one, make a horizontal line like this, then go to question number two, define, revise,
Done. Make a horizontal line. Then question number 3. Revise. Done. Make a horizontal line. Let's move to the next page. State true or false. Revise it. Then make a horizontal line. After that, question 5. Revise it. आपने सही जगह में सही लगाया है. एंड देन मेक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हियर. ओके, यू हैव टू मेक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ योर पेपर. आपका पेपर यहाँ एंड हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर पेपर. ओके, विद दिस अ क्लास एंड हियर. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ.